bismillahirrahmanirrahim alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my dear students i hope that you all will be fine as you know that this is our english class and in the previous lecture we were studying the grammar portion because we have completed our first term and now we are going to complete the grammar portion of unit number one so in today's grammar portion

सो बेसिकली वन थिंग यू मस्ट these थिंग्स आर सिंगुलर सो वी कॉल इट a सिंगुलर हाउ डू यू नो दैट these आर सिंगुलर बिकॉज दीज आर वन इन नंबर यानी कि अगर आप देखें तो ये एक है डॉग वन के लिए यूज हो रहा है ठीक है फ्रूट एक कोई भी एक हो सकता है ठीक है और इसी तरह ये भी सिंगुलर के लिए सो एक है देन इफ यू राइट डॉग्स सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस दैट इज़ अ डॉग यानी कि कुत्ता एक एंड दैट्स डॉग्स यानी कि बहुत सारे कुत्ते दो भी हो सकते हैं पचास भी हो सकते हैं हज़ार भी हो सकते हैं सो इट इज़ अ लूरल नाउन फ्रूट फ्रूट्स कोट कोट्स ठीक है यानी कि इस पूरे ग्रामर पोर्शन में कुछ ऐसा वो है नहीं ये पहले से आप लोगों ने नंबर्स प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक चीज़ होती है उसे हम लोग सिंगुलर बोलते हैं जो दो या दो से ज़्यादा उसे हम लोग प्लूरल बोलते हैं सो so, अब हम बुक के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट में हमें क्या बता रहा है सो मूविंग टुवर्ड्स द बुक सो अब हमें क्लियरेंस कर रहा है अब हमें यहाँ पर कुछ रूल्स बताए जा रहे हैं कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि मेजॉरिटी में अक्सर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि सिर्फ एस या ई e एस लगाया तो वो हमारे पास प्लूरल बन जाता है लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन होती हैं कि कब हमने एस लगाना है कब ई लगाना है कब आई एस लगाना है कब वाई के आगे क्या लगाना है एडसेक्ट्रा एडसेक्ट्रा सो so, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो हमें यहाँ पर अब क्लियर करेगा फर्स्ट वन में हमें क्या बता रहा है कि एडिंग एन एस मेक मोस्ट नाउंस प्लूरल कि ज़्यादातर हमारे पास ऐसे सिंगुलर भी आते हैं ऐसे सिंगुलर नाउंस होते हैं जिनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस का एडअप करते हैं एस का इजाफ़ा करते हैं और वो क्या हो जाता है उसका प्लूरल बन जाता है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एंकल एंकल का मतलब होता है टखना ठीक है एंकल टखना और इसका प्लूरल क्या हो गया एंकल्स नाउ यू कैन सी दैट दे हैव जस्ट एडेड एस इन द सो एंकल एंकल्स स्नो फ्लैक स्नो फ्लैक्स स्नो फ्लैक स्नो फ्लैक्स नेक्स्ट वर्ड इज कोट कोट्स कोट कोट्स नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं इफ द नाउंस एंड इन सी एच एस जेड एस एच और एक्स ए डी एस अगर हमारे पास कोई ऐसा सिंगुलर नाउन आए जो कि ख़त्म हो उस लफ्ज़ के आखिर में क्या आता हो सी एच आता हो या एस आता हो या जेड आता हो या एस एच आता हो या एक्स आता हो या ई e, एस आता हो इन में से कोई भी ऐसा वर्ड आता हो तो आप लोग क्या किस चीज़ का इजाफा करोगे ई e, एस का इजाफ़ा करेंगे ठीक है हम लोग

इफ़ द नाउंस एंड एंड एफ आर एफ ई चेंज द एफ आर एफ ई टू वी एंड ए डी एस ना ही देर आर समल्फाबैट एफ आर एफ ई नाव फॉर मेकिंग डू फर्स्ट ऑफ आल यू विल कन्वर्ट एफ आर एफ ई इन टू वी एफ आई या एफ ई आई आप लोग उसको हटा लेंगे और उसकी जगह वी डाल देंगे और आखिर में किस चीज़ का इजाफा हो जाएगा ई एस का फॉर एग्जाम्पल लीफ यू कैन सी एफ इज रिटर्न लाइफ एफ ई इज रिटर्न दैट इज नाइफ एफ ई सो लीफ लीवे हो जाए तो वाइव्स ठीक है डब्ल्यू आई वीब्स अब अगला जी इफ द नाउन एंड इन अंसोनेट प्लस वाई चेंज वाई टू आई एंड फिर बोल रहा है कि कुछ हमारे पास ऐसे नाउस होते हैं जो कि क्या होते हैं एंड होते हैं किसी कॉन्सोनेट के साथ ठीक है और उसके साथ क्या होता है एड क्या हुआ होता है जी वाई होता है फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उस वाई को हटाना पड़ता है आई और वो जो दूसरा रूल है कि ई एस आप हम लोग हमेशा लगाएँगे तो ई एस का इजाफा कर लेते हैं जैसा कि ब्लू बेरी कि हमारे पास एक किस्म का फल होता है ठीक है ब्लू बेरी तो अब आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्सोनेट है और साथ में वाई आया हुआ है तो हम लोगों ने क्या किया वाई को हटाया और उसी जगह आई और फिर आगे ई एस का इजाफा कर दिया ब्लू बेरीजरी आपको क्लियर के a, e, I, o, U वावल होते हैं ठीक है so, सो वाल के बारे में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास लास्ट में कोई वाई आए और उससे पहले वावल आए ठीक है अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाई और इससे पहले आ रहा है आ रहा है रहा है सो यहाँ पर वाई उससे पहले ओ यानी कि ओ वावल है डंकी वाई ई आगे पहले आ रहा है तो वावल है इसी तरह केंगरू ओ और उससे पहले ओ है सो अगर इस तरह से आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करेंगे एस का इजाफा करेंगे टाई टाइज खिलौना खिलौना डंकी डंकी, डंकी नाउज एंड इन कॉन्सोनेट प्लस ओ एड ई एस अगर हमारे पास कोई वावल हो जो कि किसी कॉन्सोनेट पर एड हो सॉरी एंड हो खत्म हो और उससे आगे क्या हो उसके साथ ओहो तो आप लोग क्या करेंगे ई एस का इजाफा करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर हीरो सुपर हीरोज पोटैटो पोटैटोज टोमेटो टोमेटोज ठीक है ये हमारे पास बेसिकली कुछ रूल्स थे जो कि उसने क्लियरेंस हमें करनी थी अब क्या बोल रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि राइट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अब आप लोगों ने क्या करना है कुछ दिए गए अल्फाज हैं वर्ड्स हैं सिंगुलर नाउन हैं आपने इनके प्लूरल्स लिखने ठीक है सो टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड

और आई ई -E एस यानी कि पूरी स्पेलिंग यहाँ पर लिख लें यहाँ पर मैंने तो सिंपल ये किया आप लोग पूरी स्पेलिंग आर ए एस पी डी ई डबल आर आई ई एस रीज सोफा अब दैट कम्स इन द फर्स्ट कंडीशन सो तो सोफ़ा जस्ट वी विल एड एज सोफाज इन द फर्स्ट कंडीशन सो तो पेंसिल पेंसिल स्पाई का मतलब होता है जासूस स्पाई का मतलब होता है जासूस अब जासूस में क्या करना है वाई को स्किप कर दिया और आई ई एस एड कर दिया स्पाइज विंडो खिड़की यानी कि विंडोज़ वी विल विट जस्ट एस मंकी मंकीज़ वी विल विट जस्ट एस फॉक्स लुमड़ी विल एड फॉक्सेस हॉर्स घोड़ा विल एट एस हॉर्सेस ऑफिस यानी कि ऑफिस एंड विल जस्ट एट एस सो ऑफिस चिमनी विल एड जस्ट एस चिमनीज स्टार स्टॉर्तारा stars तारे inch inch, we will add es inches story कहानी we will add ies stories match matches we will add es matches matches uh princesses we will add es p r i n c e s अब आखिर में es दोबारा ऐड अप कर देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा princesses princesses ठीक है princes princesses Wolf, we'll add VES. FES नहीं बल्कि चेरी चेरीज स्कीप वाई एंड रेड राइट आई चेरीज डियर हेरन को बोलते हैं और इसका प्लूरल भी क्या होता है डियर होता है ये या और कुछ नहीं होगा बल्कि डियर का डियर ही होता है क्यों क्योंकि हमारे पास है, है। ए, कुछ ऐसे हमारे पास सिंगुलर नाउन्स आते हैं जिनको जिस वक्त हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है वो वही सेम रहते हैं उनमें चेंजिंग नहीं आती है तो इस वजह से डी एरबी उनमें से एक है नाउ देट वॉज पेज नंबर नाइन सॉरी आई पेज नंबर टेन

The first question is that there is a new boy in my class. And they have written there are new boys, boys, class, classes. There are new boys in our classes. Second one, a boy helped me find a taxi to go home. That can garjana name mari, name, a taxi taxi lane. So a boy here was the singular and now two boy singular plural Boys, two boys helped us find taxi.

Uh, sorry a farmer has bought a tractor farmer farmers just as and tractor just as the farmers have bought tractors a leader should lead by example leaders just as and just as leaders should lead by examples now do you remember an irregular noun is a noun a like, irregular noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an S or ES to the end of the word बोल रहा है हमारे पास जिसमें हमने एस या ई एस या आई ई एस का इज़ाफ़ा किया हुए हम लोग बोल देते हैं रेगुलर नाउंस अब होता है कुछ इर नाउन होते हैं ये ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करते बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पेलिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है और वो हमारे पास इेगुलर नाउन बन जाता है जैसा कि फुट का हमारे पास क्या है फीट है आगे क्या बोल रहे हैं चेंज इज़ इर सिंगुलर इररेगुलर सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउंस एंड देन यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर द फर्स्ट वन हैज बीन डन अब आपको कुछ सिंगुलर नाउन उन्होंने दिए हुए हैं और उनको आपने क्या करना है प्लूरल नाउन में पहले कन्वर्ट करना है ये इररेगुलर है ये बात याद रखनी है ऐसे ही इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे देन यू विल हैव टू यूज इन गए द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड चाइल्ड मीनस सिंगुलर यानी कि बच्चा द प्लूरल ऑफ द वर्ड चाइल्ड इज नॉट चाइल्ड इट्स प्लूरल इज चिल्ड्रन यानी कि बच्चे एंड चिल्ड्रन आर गोइंग पिकनिक बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड वर्डन इज द वोमेन डब्ल्यू ओ एम एन वोन एंड नाउ द दल ऑफ़ द वर्ड विल बी एम पी एम वमेन वुमेन आर वीविंग द क्लॉथज या क्लॉथ्स औरतें कपड़े बुन रही हैं नेक्स्ट वर्ड पाउस यानी कि चूहा इट्स प्लूर वीस माइस है मतलब जाता है मुसीबत नागहानी वगैरह याफत वगैरह यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कि चूहों ने जिंदगी को मुसीबत बना दिया है तंग कर दिया है हमें ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज़ टुथ टुथ होता है सिंगुलर एक दांत प्लूरल विल बी टीथ यानी के सारे दांत या दो दांत या बहुत सारे दांत वी कट रोप्स विद टीथ हमने अपनी दांतों से रस्सी को काटा गूज का मतलब होता है हंस ठीक है यह हमारे पास एक किस्म का है एंड द प्लूरल विल बी गीज जी डब्ल्यू एस सो गीज आर फ्लाइंग हंस उड़ रहे हैं राज उड़ रहे हैं राज हंस उड़ रहे हैं नेक्स्ट वन इज लाउस लाउस का मतलब होता है और नेक्स्ट प्लूरल विल बी लाइस यानी कि जुएं लाइस आर प्रेजेंट इन डर्टी हेयर्स कि जो जुएँ होती हैं वो गंदे बालों में मौजूद होती हैं सो यू विल हैव टू राइट दिस अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन ऑन कॉपीज एंड बुक्स टू मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज ओके जी द नेक्स्ट टॉपिक टू वी आर गोइंग टू लर्न इज द कलेक्टिव नाउन बिफोर स्टार्टिंग कलेक्टिव नाउन यू शुड नो वॉट इज अ नाउन सो आई नो वेरी वेल दैट आई हैव टॉट यू very in very detail in the previous lecture so how you define is noun noun is the name of a person place or thing so everything that came in your mind is an example of a noun so corrective noun i have written few examples as you know that we starts with example not with the definition so example i have written is army bed heard crowd team so after seeing these examples which first thing came in your mind that it is नेम ऑफ अ थिंगट आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर अ नेम ऐसा नाम जो कि दिया जाए सिर्फ एक यानी कि नाम एक हो लेकिन उसके अंदर कलेक्शन ऑफ थिंग्स मौजूद हो जैसा कि आर्मी अब आर्मी में तो करोड़ों अफराध मौजूद हैं लाखों अफराध मौजूद हैं लेकिन नाम हम उसे सिर्फ एक देते हैं आर्मी तो ये क्या होगी कोलेक्शन ऑफ थिंग्स होगी इसी तरह बैंड हो गया हर्ड रेवर्ड हो गया क्राउड हजूम हो गया टीम अब टीम में ग्यारह अफराद क्रिकेट की टीम मौजूद होते हैं लेकिन हम लोग एक एक को तो कोई ये अलग वो नहीं करते सेपरेट बल्कि हम लोग सिर्फ एक नाम देते हैं टीम और वो क्या होती है हमारी uh, एक टीम बन जाती है सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कोलेक्टिव नाउन अ कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कोलेक्शन ऑफ पर्सन आर थिंग्स दैट्स ईजिएस्ट डिफिनीन अ कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द कोलेक्शन ऑफ पर्सनज आर थिंग्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल कि कोलेक्टिव नाउन हमारे पास ऐसा नाउन होता है जो कि कोलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है पर्सन या चीज़ों की एक मजमू होता है और उसे सिर्फ और सिर्फ एक समझा जाता है ठीक है एक बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक ज्यूरी नेशन क्लास गेंग स्टफ सो हाउ यू डिफाइन कोलेक्टिव नाउन यू विल डिफाइन कोलेक्टिव नाउन इज कोलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कोलेक्शन ऑफ़ अ परसन आर थिंग्स टेकन टूगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल

फ्लीट ऑफ डेट फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा ठीक है बेड़ा आपको पता है कि ये बेरी जहाजों के लिए यूज होगा तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स सो यू विल हैव टू राइट विलयर शिप्स एस एच आई पी एस शिप्स नेक्स्ट वन अटर ऑफ डेश लेटर मीन गंदगी सो अ लेटर ऑफ डेस एनिमल्स अ लेटर ऑफ एनिमल्स जानवरों की गंदगी ठीक है नेक्स्ट वन अ बकेट ऑफ डेश बकेट का मतलब होता है गुलदस्ता अब नाम देखें एक है बकेट लेकिन उसके अंदर एक फूल तो नहीं होता उसके अंदर तो पचास तीस बीस फूल होते हैं सो द गिवन टू इट इजेट सो अकेट ऑफ फूलों का गुलदस्ता। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अ हर्ड बोलते हैं रेवड को ठीक है हर्ड ऑफ टेस्ट बीज स्वर्म का मतलब होगा जोंड

A dash of beads, beads का मतलब है बटन बटन उसके अंदर बहुत सारे वगैरह डाले हुए हैं सो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स नेक्स्ट वन अ जंगल ऑफ ट्रीज नाउ यू कैन सी विल यूज जंगल ये उर्दू में भी होता है इंग्लिश में भी जंगल वर्ड यूज करते हैं और जंगल में एक दरफ़ नहीं बल्कि बहुत सारे द्रफ मौजूद होते हैं हजारों लाखों द्रख मौजूद होते हैं बट वी नेम डेटा सिंगल जंगल अ जंगल ऑफ ट्रीज सो नेक्स्ट वन परिंदे रहे हैं तो अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं और अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोला जा सकता है सो अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स परिंदों का जुर्मट या ग्रुप नेक्स्ट वन एक दो तीन शेर के बच्चे बैठे हुए हैं या चार बैठे हुए हैं बल्कि दो हैं सो वी विल कॉल इट देम A group of cubs or a pair of cubs. Whatever you want to write, a pair of cubs will be more suitable. So, a pair of cubs. Yeah, my the collective noun. Now, moving towards the next page, page number 12, and see that what they are going to tell us. Listening and speaking, do you remember some nouns are used only in the plural? Trousers, spectacles, jars, scissors, riches, tidings. और कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में भी वही यूज होते हैं ठीक है यानी कि होते ही प्लूरल में सिंगुलर उनका कोई होता ही नहीं है सो so, वो आपको क्लियर किए कि वो कौन से हैं नेक्स्ट वन इन द लिस्ट एंड स्पीकिंग सम आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट आर सिंगुलर प्रैक्टिस शॉपिंग डायलॉग्स विद द नाउंस लाइक ट्राउजर्स शूज सन ग्लासेज आर रिटन इन द प्लूरल फॉर्म बट आर सिंगुलर वही वाली बात के Uh, लिखे सिंगुलर में जाते हैं लेकिन लगता है ऐसा है जैसा कि प्लूरल में लिखे हुए बट वो होते सिंगुलर में है एग्जाम्पल नाउ देट अ डायलॉग सो ब्रदर आई नीड टू पेयर अ न्यू पेयर आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स प्लीज़ भैया मुझे नए चश्मों की ज़रूरत है वाट इज रॉन्ग विद दीज नाउ वट द ब्रदर इज सेंग देट द रॉन्ग विद दीज इनमें क्या खराबी है दैट टू बिग ये बहुत बड़ी है बट डीज लुक गुड लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है तुम पे आई डोंट लाइक द मैनी मोर मैंने मज़ीद पसंद नहीं करती दे आर स्टिल इन फैशन एंड look लुक nice. नाइस अभी भी फैशन में, में है क्या बोल रहा है उसका भैया कि अभी भी फैशन में कि बड़ी बड़ी एन के पहनो चश्मे पहनो गूगल्स पहनो ग्लासेस पहनो और ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लग रही है माई फ्रेंड्स लॉफ इट मई मेरी दोस्तें मुझ पर हंसती हैं ओके आल गैट यू एन यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स चलो मैं तुम्हें एक नया जोड़ा ला दूंगा सॉरी जोड़ा नहीं मैं तुम्हें नए चश्मे ला दूंगा नाउ स्पेक्टिकल्स स्पेक्टिकल्स हेयर दे आर यूज इन अ सिंगुलर एज ए सिंगुलर नाउन सिंगुलर के तौर पर लेकिन लिखा पास पैक्टिकल से हमेशा लग रहा है जैसा कि ये प्लूरल में है सो लास्ट थिंग ऑफ पेज नंबर ट्वेल्व एंड नाउन विद नो चेंज इन नंबर एज वेल एज प्लूरल कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी वो यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल डियर डियर का मतलब हो गया हेरन सो डियर आर इजी प्रेफर बूल्सिंग इट एज वेल एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन इनका सिंगुलर भी यही होता है प्लूरल भी फिश थ्री फिश स्विम इन द फिश टैंक ऑफ स्प्रिंग द फॉक्स गेव बर्थ टू द फाइव ऑफ स्प्रिंग एंड शीप वन शीप टू शीप थ्री शीप अब ये नहीं है कि एक शीप होगी तो शीप और दो तीन चार होगी तो टू शीप्स थ्री शीप्स नो यूर राइट एम एज वन शीप टू शीप थ्री शीप सो डेट्स द एंड ऑफ द टूडेज टॉपिक नाउ

And the next thing that we have learned is the collective noun. That a collective noun is the name of a collection of persons or things of a uh, taken together and spoken of as a whole. For example, flock, jury, nation, class, gang, staff, army, band, herd, crowd, team. All of these are the examples of collective noun. Now, your homework activity. Your homework activity is first of all. I have already told you that during lecture uh, we start from here. So, first of all, write the plurals of these words on the books and as well as on the online copies too. Then, uh, change these singular into plural nouns on the books and on copies too. Okay, uh, just listen. Don't write it on copy, just write uh, these plurals on copies. योर होमवर्क इज़ टू राइट जस्ट डीज सिर्फ आपने ये वाले जो सिंगुलर प्लूरल हैं ये बुक पर करके कापी पर करने हैं ऑनलाइन वर्क वाली कापीज पर ये आप बुक पर ही करें ठीक है इनके प्लूरल वगैरह जो आपने लिखने हैं उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप बुक पर ही करें कापी पर भले ना करें लेकिन बुक पर यह मैंशन होना चाहिए और पिक्चर लेकर आपने भेजनी है इनकी ये भी बुक पर करना है उसके बाद नेक्स्ट पेज पर पे हम लोग जाएँ अलेवन पर यह भी आप लोग बुक पर ही करें इसके बाद ये क्वेश्चन भी आप बुक पर ही करें और बस आज का यही था सो जस्ट होमवर्क यही है कि आपने ये वाले जो सिंगुलर टूलर हैं ये आपने बुक पर भी करने हैं और कापीज़ पर भी करने हैं एंड रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ बुक पर करने हैं सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे